आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले दो दिनों अर्थात रविवार 11 अगस्त और सोमवार 12 अगस्त को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं, बारिश किस तरह की, बारिश का नज़ारा किस तरह का रह सकता है। रात 12 बजे के लगभग लखनऊ जोन के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी, 3 बजे के बाद कुरई खवासारी गगेरुआ इस तरफ हल्की फुल्की बूंदाबांदी और 4 बजे के बाद जिले भर में बारिश लगभग थमी रह सकती है। 11 बजे के बाद आसमान पर बादल काले छाए रह सकते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद 1 बजे बारिश जिले भर में होने के संकेत मिल रहे हैं और 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में बारिश और बूंदाबांदी लगातार जारी रह सकती है। 6 बजे के बाद बारिश लगभग थमी ही नज़र आ सकती है। 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे भी बारिश लगभग थमी रहने की उम्मीद और सोमवार को सुबह भी बारिश थमी ही रह सकती है। 11 बजे के बाद हल्की फुल्की बारिश और हल्की फुल्की बूंदाबांदी, 4 बजे के बाद फिर कुछ स्थानों पर बारिश और ये बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद 12 तारीख सोमवार को नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको इसके बाद बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग लखनऊ जोन के आसपास के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बिजली कुछ देर के लिए चमक सकती है। गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा सुनाई देने की उम्मीद तो मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा नहीं बताई गई है और 1 बजे के लगभग पूरे ज़िले में एक बार फिर बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा सुनाई देने की उम्मीद नहीं। शाम 6 बजे के लगभग घनसौर के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की फुल्की चमक दिखाई दे सकती है। सोमवार 12 अगस्त को पूरे ज़िले भर में 10, 11, 12 बजे तक बिजली की चमक दिखाई और सुनाई नहीं दे सकती। शाम को 5 बजे ज़िले में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक और गर्जना सुनाई दे सकती, वो भी कुछ समय के लिए। अब हम आपको इसके उपरांत तापमान के बारे में बताते हैं। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह सवेरे 5 बजे 11 अगस्त को सुबह सवेरे 5 बजे 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 10 बजे हल्की फुल्की उमस के साथ तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पहुँचने की उम्मीद। दोपहर 1 बजे 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पहुँच सकता है। शाम 6 बजे के लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 11 अगस्त को ही रात 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। अब हम आपको 12 अगस्त को सुबह 5 बजे के लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 12 अगस्त को उसके उपरांत तापमान कितना रह सकता है? 7 बजे के बाद हल्की फुल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 10 बजे के बाद तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचने की उम्मीद। 2 बजे दिन में तापमान 19 से 32 डिग्री सेल्सियस बीच पहुँच सकता है। शाम 5 बजे के लगभग 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 6 बजे शाम के बाद थोड़ी सी राहत और 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। और 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी उनके द्वारा मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हवाओं की दिशा और गति के बारे में आपको बताते हैं। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत थमी हुई हवाएं ही आपको प्रतीत हो सकती है। रात भर हवाएं थमी रहने के बाद सुबह 7 बजे के बाद हल्की फुल्की हवाएं थोड़ी सी चलने की उम्मीद, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं। जो दिन में शाम तक पूरा दिन 11 तारीख को पूरा दिन हल्की फुल्की हवाएं चल सकती है, बहुत तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं। और 12 तारीख की रात में भी हवाएं लगभग थमी रहने के बाद 7 बजे के उपरांत हल्की फुल्की हवाएं चलने की उम्मीद, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं है। दिन में 12 तारीख को हवाएं फिर एक बार 2 बजे के बाद जो थमी आपको महसूस होंगी वो रात तक थमी रह सकती हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लगभग 2 दशकों से महेश रावलानी के द्वारा मौसम का पूर्वानुमान दिया जा रहा है जो 95 से 99% तक सही साबित होता आया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।